हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल चावल से पुलाव कैसे बनाएं घर में, और बहुत ही अच्छा हम लोग का पुलाव खिला खिला बन के तैयार होता है। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल चावल लिया हुआ था घर का, और इसको देखिए अच्छे से धो रहे हैं हम। दो तीन पानी अच्छे से इसको धो लेंगे जब तक एकदम पूरा अच्छे से साफ ना हो जाए। इसको अच्छे से धो धो के इसको एकदम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें का जितना भी गंदा पानी है सब निकाल लेंगे, इसलिए दो से तीन बार इसको अच्छे से हम लोग धो लेंगे। और धोने के बाद अच्छे से फिर एक चलिए अपना गैस पे कुकर रखते हैं। ये देखिए हमने गैस पे कुकर रखा है गर्म होने के लिए, और इसको अच्छे से इसमें हम तेल डालते हैं। आप तेल या घी में बना सकते हैं, तो हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। और इसमें ये देखिए हमने कुछ इसमें लिए हुए खड़े जो इसमें डालेंगे, ये देखिए तेजपात है और बड़े वाले इलायची और मरीच लवंग और जीरा, और इसमें लकड़ी है जो जैतूरी और ये गंध वाला जो बोला जाता है। अब इसको अच्छे से हम लोग थोड़ा सा एक मिनट के लिए आधा सेकेंड के लिए इसको भून देंगे। इसको देखिए इसमें डालने के बाद अच्छे से हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। और इसमें आप खड़े मसाले अपने पसंद का डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। और इसके बाद इसको अच्छे से भून लीजिए। और हमने जो चावल अपना धो के रखा हुआ है वो हम लोग का नॉर्मल चावल है। हम लोग कोई मार्केट से बासमती चावल नहीं लिए हैं या पुलाव वाला चावल नहीं लिए हैं। ये देखिए हम अपना नॉर्मल चावल डाल दे रहे हैं। हम नॉर्मल चावल ही डाल रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मल चावल का पुलाव आज आपको बना के दिखाएंगे। देखिएगा कितना खिला खिला और अच्छा पुलाव बन के तैयार होगा हम लोग का। ये देखिए इसमें हम डालने के बाद आपको इसको हम एक से दो सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे चावल को, ताकि जो हमारा देसी घी का खुशबू है पूरा चावल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारा चावल का खुशबू एकदम देसी घी की तरह आएगा। ये देखिए अच्छे से हम इसको चला लेते हैं। चलाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। आप जितना चावल लिए हैं आप उसके अनुसार पानी डालिए। अगर आप एक गिलास चावल लिए हैं तो उसमें आप डेढ़ गिलास पानी डालिए, और आप ज़्यादा लिए उससे तो उससे ज़्यादा पानी डालिए। ये देखिए हमने हमारा चावल जो अच्छे से भून गया है, ये देखिए हल्का हल्का नीचे से अब लगना स्टार्ट हो गया, यानी हम लोग का चावल अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। हम देखिए हम इसी कटोरी से मेजर किए थे चावल अपना, तो इसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। ये देखिए हम इसमें अपना पानी डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ से मेजर करेंगे अपना चावल उसी से हम अपना पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से पानी इसमें डल गया है। अब हम लोग का चावल है जो अच्छे से भून भी गया था, अब देखिए ऊपर से पूरा जीरा वगैरह जो ऊपर से दिख रहा है, अब इसका ढक्कन लगा के हम लोग एक सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको एक सीटी पर पकाएंगे। एक सीटी आएगा तो हम इसका ढक्कन तुरंत बंद कर देंगे। और आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और ये देखिए हम इसको एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी जब आएगा तो अपना गैस है जो बंद कर देंगे, और इसको तुरंत नहीं खोलेंगे, दो से तीन मिनट के लिए इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम खोलेंगे। ये देखिए हमारा एक सीटी आ गया है, हमारा एक सीटी लग गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम आपको चावल खोल के दिखाते हैं कि कितना अच्छा और हम लोग का खिला खिला चावल बना है। ये देखिए कितना अच्छा हम लोग का चावल बना हुआ है। देखिए एक एक दाना अलग अलग है, वो भी नॉर्मल चावल है घर का, हम कोई मार्केट का चावल नहीं खरीदे हैं। ये देखिए कितना अच्छा हम लोग का बन के तैयार हुआ है चावल। नॉर्मल चावल से भी आप पुलाव बना सकते हैं आराम से। ये राइस चावल है, इसको राइस चावल बोला जाता है, जीरा राइस बोला जाता है, क्योंकि इसमें जीरा है ज़्यादा, इसलिए इसको जीरा राइस बोला जाता है। और ये देखिए हमारा चावल है जो बन गया है, हम इसको आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि देखिए एक एक दाना खिला खिला और कितना अच्छा हम लोग का जीरा राइस बन के तैयार हो गया है। आप ऐसे ही बनाइए और खाइए, और मेरे साथ शेयर करिए आप लोग से कैसा बनता है, और क्या आप लोग को वीडियो देखना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम आपको जीरा राइस का वीडियो दिखाएं, अगर किसी और चीज़ का वीडियो देखना है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।